एआरटीओ पर चेकिंग के दौरान हुआ भयंकर हादसा। जी हां, खबर है यूपी के अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पट्टी के पास हुआ भयंकर हादसा, जिसमें मुरवा निवासी विद्यासागर अग्रहरी की मृत्यु हो गई। एआरटीओ हाईवे पर चेकिंग कर रहे थे और एक ओवरलोड ट्रक को पकड़कर चालान करने के बाद ट्रक ड्राइवर ने एआरटीओ को मारने के लिए ट्रक एआरटीओ के सरकारी गाड़ी के पास लगा दिया। एआरटीओ ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा कि ट्रक ड्राइवर ने अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक पुरुष की मृत्यु हो गई और एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। वहीं पर एक पुलिसकर्मी जो कि एआरटीओ का ड्राइवर है, उनको भी सर में चोट आई। महिला को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ग्रामीणों ने एआरटीओ की सरकारी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है। डीएम सैमुअल पाल एन व कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने मौके पर पहुंचकर मुआवजा किया। डीएम साहब ने बताया कि मृतक के परिवार को सरकार की योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये हिट एंड रन का केस है, ट्रांसपोर्ट विभाग से बात कर उनसे मदद दिलाई जाएगी और ट्रक चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए अंबेडकर नगर से मुकेश कुमार की यह रिपोर्ट। और दूसरा है, उनको बहुत मुश्किल से पब्लिक ने वहाँ से निकला है। एट द सेम टाइम कुछ वहाँ का मॉब जो है एआरटीओ गाड़ी को फूंक दिया है और एआरटीओ को ड्राइवर को भी चोट पहुँचाया है। और हम लोगों को सूचना मिलने के बाद मैं और कप्तान साहब मौके पर जाके मुआयना किया है और हॉस्पिटल में भी इन लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने कहा है। अभी अनफॉर्चुनेटली ये सूचना मिली है कि वो लड़का को भी डेथ हो गया है। सो हम लोगों ने हमारे स्तर से सरकार की तरफ से जो भी मदद उनको मिल सकते हैं, तत्काल प्रभाव से 5 लाख जो सरकार की मृत्यु से सरकार की योजना से मिल सकती है दुर्घटना योजना के अंतर्गत, सो उसको हम लोग तत्काल उनको उपलब्ध कराएंगे। और हिट एंड रन केस भी है ये, सो ट्रांसपोर्ट विभाग से भी बात करके जो मैक्सिमम मदद फैमिली को हो सकता है करेंगे। ये एक एक्सीडेंट है, बट फिर भी जो भी वहाँ पर मॉब ने सरकारी गाड़ी को फूंका है और उसके अलावा जो ड्राइवर भाग गया है उनके खिलाफ बहुत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उनको जल्दी से अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। सर कितने लोगों की इस बार है? एक 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 लड़का है, 24 साल के लड़का है और मुरवा गांव के रहने वाले हैं। उनको डेथ होने की सूचना मिली है। जो महिला है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ठीक है और उनको भी फॉलोअप कर रहे हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा।